हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जियलॉजी नोट्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अगर ये टॉपिक एग्जाम में आपको लॉन्ग में पूछा जाए तो इस वीडियो में आपको जहाँ तक बताऊंगी उतना लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाएगा क्या होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट एंड वेरियस मैथड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी बाई यूजिंग सेलेक्टिव पेस्टिसाइड्स बोले जा रहे हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है जिसको शॉर्टकट में आईपीएम कहा जाता है ये एक तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है जिसमें क्या होता है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए एक सिलेक्टिव पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है इन 1967 सिक्सटी सेवन द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट यूज पहली बार ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म जो है इसको 1967 में यूज किया गया था उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ आई पी एम फर्स्ट है प्रिवेंशन एंड सेपरेशन। ये क्या होता है प्रिवेंशन इज एडप्टेशन ऑफ मेजर टू रिड्यूस द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ पेस्ट बोले प्रिवेंशन जो होता है जिसका मतलब रोकथाम जो होता है इसका अर्थ है कि जो पेस्ट जो होता है जो कीट जो होता है उसकी घटना की संगठ संभावना को कम करने का उपाय को अपनाना होता है सेपरेशन रिड्यूसिंग ऑफ पेस्ट और ये जो सेपरेशन जो होता है ये क्या होता है तो ये एक तरह से सेपरेशन का मतलब होता है कीट के प्रभाव को कम करना होता है उसके बाद मॉनिटरिंग हार्मफुल ऑर्गेनिज़ मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय एडिक्वेट मेथड्स एंड टूल थ्रू ऑब्जर्वेशन यूज ऑफ साइंटिफिकली साउंड वार्मिंग साउंड वार्निंग उसके बाद फोरकास्टिंग एडवाइस फ्रॉम क्वालिफाइड एडवाइजर बोला जा रहा है मॉनिटरिंग जो होता है एक तरीके से इसमें बोला जाता है बोला जा रहा है कि जो हानिकारक जीव जो है उसके ऊपर निगरानी रख के क्या कहें क्वालिफाइड एडवाइजर्स के द्वारा वैज्ञानिक के रूप में उसकी चेतावनी को एडिक्वेट मैथड के द्वारा मॉनिटर किया जाता है और जिससे पता लगाया जाता है मतलब कि कौन सा जीव ज़्यादा हानिकारक कौन सा पेस्टिसाइड ज़्यादा ये कर रहा है मतलब हानिकारक हो रहा है उस क्रॉप प्रोडक्टिविटी में उसके बाद डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग इज डन बेस्ड जरा ये जो निर्णय लेने का जो फैसला देखा जाता है और उसके ऊपर मॉनिटर करके जो रिजल्ट निकलता है उससे डिसीजन मेकिंग पूरा होता है उसके बाद चैलेंजेस इन आईपीएम आईपीएम में क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं पहला चैलेंज जो देखने को मिलता है वो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ आई जो आई जो है उसमें फाइनेंशियल कॉन्सटेंट जो होता है सबसे पहला स्टेज जो होता है इसमें प्रॉब्लम आती है उसके लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्टाइज इसमें जो है एक्सपर्टाइज का कमी होता है मतलब बहुत कम एक्सपर्टाइज जो है इसमें भाग लेते हैं इनएडिकुएट रिसर्च ऑन इंसेक्ट पेस्ट जो होता है एक तरीके से जो इंसेक्ट पेस्ट पर जो रिसर्च जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता है अपर्याप्त इंफॉर्मेशन इनमें पाया जाता है उसके बाद लैक ऑफ सपोर्टिव गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज आई पी एम में सब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो गवर्नमेंट जो है और उनके पॉलिसीज का सपोर्ट नहीं होता है उनका कम ही होता है उसके बाद एडवांटेज ऑफ आई पी एम पहला पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो कॉस्टली होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट आईपीएम टेक्निक्स वेस फाइनेंशियल बर्डन एंड मोर सस्टेनेबल विद लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बोला जा रहा है ये जो है ये कॉस्टली तो होता है लेकिन अलग अलग आई का जो यूज होता है टेक्निक का जो यूज होता है वो बहुत ही लंबे समय तक इसका मतलब असर होता है लंबे टाइम तक, तक इसको मतलब सस्टेनेबल रहता है उस जगह पे उस प्रोडक्टिविटी पे तो बेनिफिट टू इन्वायरमेंट पर्यावरण पे पर ये बेनिफिट लाता है आईपीएन इज एन इको फ्रेंडली अप्रोच एंड मेंटेन इकोलॉजिकल साइकिल आई जो है वो इको फ्रेंडली होता है ये पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है और एक तरह से मेंटेन करके रखता है इकोलॉजिकल साइकिल को उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ आई पी का क्या डिसएडवांटेज है तो आई नीड्स टू बी प्लान आई का जरूरत तब पड़ता है जब एक प्लान करके इसका जरूरत पड़ता है आई डिमांड्स मोर अटेंशन डेडिकेशन एंड रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज वेरियस फील्ड आईपीएम में जो होता है डिमांड करता है कि बहुत ज़्यादा आईपीएम पी का अटेंशन चाहिए होता है खासकर डेडिकेशन और एक, एक, एक एक्सपर्टाइज़ की जरूरत पड़ता है कि हाँ वो सही मायने में उस फील्ड में काम करें ऑल दिस इन्वाल्व इन द आई पी एम नीज टू एडुकेटेड एंड ट्रेन विच ऑप्टन रिक्वायर्स मस्ट है आई पी एम में जो है एक तरह से एक्सपर्टाइज का जरूरत चाहिए जरूरत होता है जो एक वेल well एडुकेटेड हो खासकर वेल ट्रेंड हो उसको लिया जाता है और उसके लिए बहुत अधिक टाइम चाहिए होता है उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आई पी एम एंड एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ऑफ इंटरवेंशन में टेक लॉन्ग टाइम टू बी अचीव बोला जरा आई पी एम का एप्लीकेशन को मतलब पूरा करने के लिए एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम का जरूरत पड़ता है सो इट टेक्स टू मच टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग इसमें ये बहुत ज़्यादा अधिक टाइम लगाता है और ये क्या करता है तो ये बहुत एनर्जी को कंज्यूम करता है